रहा है, टाइम 6:30, तो हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली की तरफ। एक्चुअली कल वो हम कवर नहीं कर पाए थे जैसे आपको हमने बताया था, तो अब हम दोनों जा रहे हैं ओल्ड मनाली की तरफ कि उसे भी एक्सप्लोर करते हैं और देख लेते हैं जो बचा हुआ रह गया है, जैसे कि कैफ़े नाइट एंड ऑल, लाइव म्यूज़िक सेशंस एंड ऑल, वो सब देखना है और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो वो कर लेंगे। देखो पैदल चलते चलते हमें वाटरफॉल मिल गया, कितना सुंदर लग रहा है ना यार, वो ऊपर से आ रहा है, बहुत स्मार्ट है। अब हम देखो बाज़ार में पहुंच गए, ये हुक्का वाली दुकान दिख गई हमको, ये कितनी सुंदर है यार। यहाँ पे जितनी चीज़ें देखो उतनी ज़्यादा अमेजिंग है, उतनी ज़्यादा सुंदर है, कितनी यूनिक कलेक्शन है इनके पास, बहुत मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या मिलेगा। ये कैफ़ेज़ यहाँ इस लाइन में ओल्ड मनाली वाले रोड पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जो बहुत सुंदर सुंदर हैं, आउटलुक भी और इंडोर भी बहुत सुंदर हैं। अब हम खा लेते हैं कुछ खाने पीने की चीज़, यानी कि भुट्टा, बहुत टेस्टी लगता है यार, देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो मुझे तो लेना ही लेना। ले लिया हमने भुट्टा, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं और कौन कौन से कैफ़ेज़ हैं, मतलब रास्ते में चलते जाओगे तो बहुत कुछ दिखेगा आपको, जैसे हमें दिख रहा है, अलग अलग यूनिक लाइटनिंग वाली चीज़ें, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। ये कोई एक हट टाइप सी बनी हुई है यार, मुझे पता तो नहीं है इसका नाम एंड ऑल, बट बहुत सुंदर लग रही है। अब चलो कुछ शॉपिंग करते हैं यार, बहुत हो गया इधर उधर की चीज़ें, हमने बहुत बातें बातें कर ली, चलो देखते हैं कुछ यूनिक सी चीज़ मिल जाए। वैसे तो मैं कपड़े वपड़े नहीं लूँगी क्योंकि सर्दियों की कलेक्शन है ये, क्या ही ढोके कहाँ लेके जाऊँगी यार, तो देखते हैं कुछ और ले लेते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कोई स्टॉल या कोई टी शर्ट या कुछ ऐसा अच्छा सा यूनिक सा मिल जाए, सहज के लिए कुछ देख लेती हूँ एक दो चीज़ें, अगर मिल गई तो, नहीं तो सहज तो देखो कहाँ लगे हुए हैं, अपने ही शॉर्ट्स सिनेमेटिक शॉर्ट्स ले जा रहे, इनको तो बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, और इनका पैशन है बेसिकली सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेना या फिर यूनिक यूनिक चीज़ें दिख जाए तो उसे कैप्चर करना, बहुत अच्छा लगता है इनको। चलो मैं कुछ फटाफट से क्विकली खरीदती हूँ, अब तो मैं खरीदूंगी, अब आपसे कोई बहाना नहीं है। ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं यार, ये पर्स बहुत प्यारे हैं, तो मैं ले लेती हूँ, एक मैंने ले लिया, ठीक है। अब सैज को एक्चुअली ना मुंदरें चाहिए थी अपने कानों के लिए, वो कह रहे थे मुझे कुछ और नया पहनना है, तो मैं देख लेता हूँ, तो वो देख लेते हैं अगर उन्हें कुछ समझ आता है। वैसे हमने पूछा, भैया कह रहे हैं कि नहीं है यहाँ पे बॉयज़ का कलेक्शन, गर्ल्स का ही है, बट चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो इट्स ओके। ये 92.5% कह रहे थे सिल्वर है इसके अंदर, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने नहीं लिया, बट हमने वही सहज का शौक सिनेमेटिक शॉट्स लेकर वहाँ से निकल पड़े, कहते यही ले लेते हैं हम, और तो कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल मेरे मतलब का, तो इन्होंने ये ले लिया। बंदा देख रहे हो कितना फ़नी लग रहा है यार, इतना सुंदर लग रहा है, इस पर लिखा है डोंट टच मी, वाह तेरे को टच करके मैंने करना क्या भाई, कोई बात नहीं तो ऐसे ही रहा, गंजा ही है, गंजा ही ठीक लग रहा है, तो तेरे को टच करके क्या करना है मैंने। और ये बहुत सुंदर थे यार, मैंने इनमें से एक पर्स ले लिया, एक यहाँ से मैंने शर्ट ली है, वो आपको मैं दिखा दूँगी व्लॉग में प्रॉपरली कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब, और मुझे ना एक एक्चुअली सूट का सेट पसंद आया था, भैया मुझे वही दिखा रहे हैं, कह रहे थे 1500-1800-2000 की रेंज में, एक टॉप था और नीचे एक सलवार टाइप सी थी, अफगानी जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसा ही था, तो मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं समझ में आया। ये लेदर वाले पर्स थे कुछ, तो हमें कुछ एक पिट्ठू बैग वगैरह लेना था, हमने पूछा बट उसके रेट्स ओ माई गुडनेस बहुत ज़्यादा थे, तो हमने नहीं ख़रीदा। जब तक मैं बात करती हूँ तब तक सहज अपने सिनेमेटिक शॉर्ट्स में लग जाते हैं यार, ये देखना फिर से लेने लग गए, बहुत शौक है यार इनको। तो उसके बाद यार मैं तुम्हें एक सही बात बताऊँ, तुम अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना, अगर किसी को सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेने वाला बंदा चाहिए ना तो मेरे बंदे को ले जाना, उनको बहुत शौक है ये सब चीज़ों का। फिर ये टी शर्ट्स वगैरह पे हम दोबारा आए, हमने कहा कुछ अगर मिल जाए तो, नहीं मिला, फिर यहीं घूमते रहे इधर उधर हांटते रहे कुछ मिल जाए, बट हमारे मतलब की चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि वी आर द यूनिक पर्सनैलिटी और हमें यूनिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब चलते चलते रास्ते में आ गया लेजी डॉग, सही बताऊँ तो मैम जगह बहुत अच्छी है लेकिन जो नाम रखा है ना वैसा कुछ नहीं मिला, यानी कि लेजी डॉग तो मिला ही नहीं, तो हम वहाँ से निकल पड़े। हमने कहा यार कोई और जगह देखते हैं, मज़ा नहीं आया यहाँ पे कुछ ना, वहाँ पे दारू वारू पीने वाले बंदे थे तो हमारे टाइप ऑफ कुछ था नहीं वो, क्योंकि हम लोग नहीं पीते हैं भी, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि मैं उन लोगों के या उन बातों के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन इन्जॉयमेंट। तो हम चलो एक बार अंदर जाके फिर भी देख लेते हैं, बाहर से ही हमें बता दिया था वैसे उन्होंने, बट हम फिर भी देखने के लिए गए।
तो विजिट किया हमने। ये देखो अच्छा बना हुआ था, नो डाउट, बहुत सुंदर था, लाइटनिंग था, बहुत डिम सा, बहुत प्यारा सा ही वाइब था उसका, लेकिन वो हमारे टाइप का नहीं था बिकॉज ऑफ वी डोंट ड्रिंक एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बट स्टिल कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ के इन्जॉय तो हम वाइब तो ले ही आए थे वहाँ की। देन वी प्लान कि हम मेन्यू एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमारे मतलब की कोई चीज़ हो, तो हमने मेन्यू को रीड किया और बेसिकली हमें अंकल ने बताया था पीछे की स्टोरी ज़रूर रीड करना कि लेजी डॉग है क्या और ये क्यों बना। तो लेजी डॉग की स्टोरी भी मैं आपको कभी बताऊँगी किसी एक उसमें, बट आप रीड कर लेना अगर आपको रीड करना हो, वैसे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आप जाके वहाँ भी रीड कर सकते हो। देन वी मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर, हम लोग वहाँ से चले गए। देन हम वहाँ पे पहुँचे एक छोटे से कैफे में और वहाँ पे हमें ये डॉगू मिला, एंड यू नो वो लेजी डॉग में नहीं मिला, यहाँ मिला, एंड ही वाज सो क्यूट, बहुत मज़ा आया। और मुझे सामने आप सिंगर देख रहे हो, इतने माशाल्लाह गायक थे, बहुत बढ़िया, इतना मज़ा आया कि हम तो वहाँ बैठ ही गए, हमने कहा अब तो यहाँ पे हम खा पी के ही जाएंगे और इन्जॉय फुल ऑन करेंगे। देन वी हैव ऑर्डर समथिंग, मैं उतनी देर प्यार करने लगी, सहज कहते चलो मैं एक सिनेमैटिक शॉट ले लेता हूँ तुम्हारा, तो बस हम ऐसे लग गए मज़े मस्ती करने। फिर हमने मेन्यू चेक किया तो हमें उसमें बहुत अच्छी चीज़ मिली जो कि हमने ऑर्डर कर दी। How is it? And you let it go. हम तो खा पी के म्यूजिक सुन के फ्री हो चुके हैं। इस कैफे का नाम है माउंट वॉल्केज, मैं इसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि बहुत अमेजिंग कैफे था, खाना पीना भी और लाइव म्यूजिक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, सिंगर बहुत ही अच्छा था यहाँ का और बहुत मज़ा आया, वाइब बहुत पॉजिटिव थी, तो हमने इन्जॉय भी किया। आप भी प्लीज़ अगर आना चाहें तो ज़रूर आना, बाकी सारे कैफेज़ में हमने एक्सपीरियंस नहीं किया बट मुझे सबसे बेस्ट म्यूज़िक सुन के यही लगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारे और बाकी के व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।